इंदौर कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। यदि इंडस्ट्री की दृष्टि से कहा जाए तो खाद्य तेल की सबसे बड़ी देश की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री की जन्मभूमि इंदौर और मांगलिया में उसका प्लांट है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ही। उसके बाद रुचि सोया ने पूरे देश में विस्तार किया। मैं सुदूर दक्षिण में भी होकर के आया हूँ, चेन्नई से लेकर के मैंगलूर से लेकर के काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी और इधर राजस्थान, कोटा बारा से लेकर के और महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर के और पाताल गंगा और कांडला, कलकत्ता में हल्दिया से पश्चिम बंगाल से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक 22 यूनिट्स का एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिस रुचि सोया कंपनी का था। दुर्भाग्य से वो आजकल की सभ्य भाषा में बोले तो एनसीएलटी प्रोसेस में चली गई थी और यदि आम लोक भाषा में बोले तो दिवालिया हो गई थी। उस कंपनी को पतंजलि ने दिवालिया होने से बचा लिया, क्योंकि हम वर्षों की मेहनत से कोई एसेट क्रिएट हुआ है उसको राष्ट्र की धरोहर मानते हैं। यहां पर भी सहारा परिवार ने, आदरणीय श्री कैलाश जी, दिनेश जी ने मेहनत करके एक ब्रांड खड़ा किया। 1972 से पहले ही इसका बीज बो दिया गया था उनका परिवार, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में था, और 1972 से विधिवत जनरल फूड्स के रूप में इस कंपनी की शुरुआत हुई। आज लगभग 50 वर्ष जिस कंपनी के हो गए, उसने एक कीर्तिमान बनाया एडिबल ऑयल में। सोयाबीन के भाव रुचि से खुला करते थे और बहुत बड़ी कैपेसिटी माने 32 लाख टन सोया सीड की क्रशिंग कैपेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रुचि इंडस्ट्री की हुआ करती थी। और आज करीब 36 लाख टन ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी के साथ पूरे देश में यदि बात की जाए तो आधे भारत में एडिबल ऑयल में रुचि सोया कंपनी नंबर वन है। पूरे साउथ इंडिया में नंबर वन है। डिस्ट्रीब्यूशन की दृष्टि से, खपत की दृष्टि से देखा जाए तो करीब 7 से 10 करोड़ लोग रुचि सोया का तेल खाते हैं पूरे देश में। कोई छोटी बात नहीं है। ये इतना बड़ा कीर्तिमान जिस कंपनी ने बनाया था उसमें बीच में काफ़ी तकलीफ आई और करीब 3 सालों से रुचि के साथ जुड़े हुए हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से लाखों लोग, और उसमें किसान भी सम्मिलित है क्योंकि 50,000 हेक्टेयर जमीन पर देश का सबसे बड़ा पाम प्लांटेशन भी रुचि इंडस्ट्री के पास में है। उपभोक्ताओं की बात की जाए तो करीब 8 से 10 करोड़ उपभोक्ता जिसके साथ जुड़े थे, उस भरोसे को हमने टूटने नहीं दिया। लगभग 4,500 करोड़ रुपए, 4,350 करोड़ रुपए तो विधिवत रूप से इसमें निवेश किए। आगे उसके जो है स्टॉक और बाकी मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ों में कुल मिलाकर के लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम इसमें खर्च कर रहे हैं पतंजलि की तरफ से। और मात्र तेल बेचना मकसद नहीं है, हमने एक प्रिंसिपल के साथ देश में काम किया है कि हम व्यापार के लिए काम नहीं करेंगे, उपकार के लिए काम करेंगे। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर हमने काम किया। आज इस देश में करीब 12 लाख कंपनियां हैं, वो कॉरपोरेट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर 2% खर्च करती हैं अपने प्रॉफिट का, हम अपने प्रॉफिट का 100% चैरिटी के लिए खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, और हमने किया है करीब 10,000 करोड़ रुपए की चैरिटी पतंजलि ने की है। और आगे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें 1 लाख बच्चे शिक्षा दीक्षा पा सकें, और शिक्षा क्रांति एक बहुत बड़ा हमारा संकल्प है जिसमें आगे हमारी आने वाले 20-25 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करने का हमारा संकल्प है। उसी के लिए एक सन्यासी होने के बावजूद, जिसका प्रमुख क्षेत्र धर्म होता है, उसके बावजूद भी मैं अर्थ में यह व्यवहार करता हूँ तो व्यापार के लिए नहीं, देश निर्माण के लिए। और हमारा सपना है कि चाहे देश खाद्य तेल के बारे में आत्मनिर्भर बने, जो हमारे देश की मुद्रा विदेश में जाती है, फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट वो बहुत बड़ा है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल में जाता है, दूसरे नंबर पर खाद्य तेल में जाता है, तीसरे नंबर पर सोने में जाता है, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर के लगभग 6-7 लाख करोड़ रुपए हर साल पानी की तरह हमारा पैसा बह रहा है। यदि हम खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए हमारा विदेशों में जाने से बचता है, हमारे देश की समृद्धि बढ़ती है, हमारे देशवासियों के पास पैसा आता है, और हमारे देश की मुद्रा, हमारी करेंसी मजबूत होती है। एक तरफ जहां हमें देश के अंदर गैस डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं, उसके भंडार भरे पड़े, हमारी धरती माता बहुत सस्य और हिरण्यगर्भ है, आज यदि ठीक से दोहन किया जाए तो हमें खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल गैस के लिए इतनी कैपेसिटी भारत में है, उसके लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं और उठाने की आवश्यकता है। कुछ कहते हैं कि जी सारे भंडार हम खाली कर लेंगे तो आगे फिर क्या होगा देश के अंदर ऊर्जा का। अरे भैया 25-50 साल की बात तो सारी टेक्नोलॉजियां बदल जाएंगी, डीजल पेट्रोल के स्थान पर कुछ और आ जाएगा, तब तक तो अपने देश को बचा लो लूटने से। वहीं खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 स्टेप मात्र उठाने की आवश्यकता है। एक स्टेप तो बहुत अच्छा उठाया सरकार ने, पिछले 5-6 दिन पहले मोदी जी ने हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी ने एक कदम उठाया कि विदेशों से रिफाइंड पाम ऑयल नहीं आएगा, क्रूड पाम ऑयल ही आएगा, उसी से ही देश की मरती हुई इंडस्ट्री जिंदा हो जाएगी। मैं कम से कम कह रहा हूं इसमें 25-50 हजार से लेकर के 1 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का पैसा भी बचेगा, देश की इंडस्ट्री भी बचेगी। कितनी इंडस्ट्रियां उजड़गी, कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, खाली एक ये निर्णय जो आज हुआ ये कम से कम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो मोदी सरकार ने पीयूष गोयल जी ने किया। ऐसे हमें कुछ और निर्णय लेने पड़ेंगे। अभी हमारे देश में पाम की बहुत ज्यादा खपत है, इंडस्ट्री में तो पाम यूज होता ही है, जितने भी मध्य प्रदेश के भी जो भुजिया है नमकीन वाले, चाहे वो बीकाजी की भुजिया है, चाहे वो बीकानेर वालों की भुजिया है, चाहे वो हल्दीराम की भुजिया है, जितने भी भुजिया वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, बिस्किट इंडस्ट्री है, ये सब के अंदर पाम ऑयल लगता है, और उसका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा होती है। बाकी किसी भी तेल में चीज को पकाते हैं तो थोड़ी देर में उसमें स्मेल हो जाती है, इंडस्ट्रियल मजबूरी भी है। कुछ लोग जो देसी घी नहीं खा सकते, वनस्पति खाते हैं, वैसे वनस्पति घी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब कुछ लोग देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते तो जिसको वनस्पति घी बोलते हैं उसी के अंदर लड्डू आदि बना करके खा लेते हैं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, पाम इस देश में करीब 2 लाख हेक्टेयर पर है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा रुचि सोया का है, करीब 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा अभी हम पाम प्लांटेशन किसानों से करवाया हुआ है, और ये यदि 20 लाख हेक्टेयर हो जाता है तो बाहर से एक बूंद भी हमें पाम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत बड़ी बात है, और मात्र 5 साल का काम है।
कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाम प्लांटेशन हुआ है। अब हम रुख कर रहे हैं अरुणाचल, असम और ऊपर त्रिपुरा और मणिपुर का। और 5 सालों में ये काम होगा तो पाम में तो हम आत्मनिर्भर ही बनेंगे, सोया में मात्र लगभग दुगना कैपेसिटी करने की जरूरत है और अपनी प्रोडक्टिविटी जो पर हेक्टर हमारा करीब 1 टन हो रहा है, विदेशों में करीब 2 से 2.5 टन हो रहा है, तो हम भी बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को। सनफ्लावर में हम बहुत पीछे हैं, करीब 95% हम बाहर से मंगा रहे हैं। यदि तीनों को हमने साथ लिया तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए देश का बचता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें किसानों का क्या फायदा होता है? किसान यदि सरसों बोता है, बहुत बड़ा भाग है हमारा देश का, मध्य प्रदेश का भी, राजस्थान का भी, जो सरसों बोता है, 1 एकड़ में सरसों लगभग 1 टन होती है। 1 टन में 0.4 टन माने करीब 400 किलो वो तेल निकलता है, जबकि पाम 1 एकड़ में 10 टन होता है और उसमें 18% ऑयल निकल जाता है, करीब 1.8 टन, और अब तो उसके 1800 किलो, आज उसके रेट अब तो 20-25 रुपए बढ़ गए, जो भी उसके कारण है, कुछ इसमें ऑयल में मिलाने लग गए बायोडीजल के रूप में। जब से बायोडीजल की इंडस्ट्री को बढ़ा रही है विदेश में, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि में, और कहीं थोड़ा बहुत इस बार मौसम भी खराब रहा, फ्लड आदि आए, उसके कारण से जो है बढ़ गए एकदम से भाव। 25 रुपए किसी चीज के भाव बढ़ने का मतलब करीब उसका 30-35% उसमें महंगाई बढ़ जाना, ये अफोर्डेबल नहीं है हमारे देश में। जिस तरह से लोगों की पर कैपिटा इनकम है और उसका जो कंजम्पशन है, उसकी जो आवश्यकता है, तो किसान का भी फायदा ये कि 1 एकड़ में लगभग वो साल भर में 80,000 रुपए पाम से पा सकता है। उसका यदि मजदूरी आदि का खर्चा, 5 एकड़ जमीन पर 1 मजदूर की जरूरत पड़ती, इससे ज्यादा कम मजदूरी वाली खेती कोई नहीं हो सकती। ऐसी चीजों को बढ़ाने की आवश्यकता है। रुचि सोया के टेक ओवर के पीछे, ठीक है कोई भी आर्थिक गतिविधि बिना मुनाफे के नहीं हो सकती है, लेकिन अपना मुनाफा कमाना मकसद नहीं है।